खरगोन जिले में रविवार को मौसम शीतल और नमी भरा रहा। जिले के कई हिस्सों में मावठा गिरने से यानी बेमौसम बारिश होने की भी खबर सामने आई है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमानों के अनुसार आने वाले दो दिनों में जिले में अधिकतर भाग में दिन भर बादलों से अपना डेरा जमाए रखने की संभावना बताई गई है। रविवार को सुबह से चली ठंडी हवाओं ने लोगों को ठंड और ठिठुरन का एहसास करवा दिया। रविवार को दोपहर के 3 बजे बाद जिले के कई गांवों और स्थानों पर बारिश भी हुई। इस दौरान जिले के ग्राम ऊन सहित छोटी ऊन, बनिहार, घोटिया, नया नगर, केली आदि स्थानों पर 1 घंटे से ज्यादा समय तक वर्षा हुई। ऊन में हुई बारिश के कारण यहां का साप्ताहिक हाट बाजार भी प्रभावित हुआ तथा हाट बाजार में कई दुकानों के तंबू इत्यादि तेज हवाओं के कारण उखड़ गए। इधर किसानों की माने तो यह बारिश गेहूं चने की फसलों के लिए लाभदायी होगी। उनके अनुसार इस बारिश के बाद कई दिनों तक मौसम में नमी के साथ तापमान में भी कमी होगी, जिससे गेहूं चने की फसलों की ग्रोथ को फायदा पहुंचेगा। मौसम विभागीय गणनाओं की माने तो जिले के कई स्थानों पर अगले 24 घंटे में भी इसी तरह स्थितियां रहेगी और बादलों के छाए रहने के साथ बारिश के भी आसार बताए गए हैं। खरगोन ब्यूरो से दिनेश दसौंधी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।